ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ 0 ਮੀਟਰ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਗਾਖ ਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ जी अस्सलाम वालेकुम। अपना चैनल पीके पर खुश आमदीद कहते हैं सब भाइयों को। दोस्तों लाहौर मार्केट के हालात तो आपने चाचे की ज़बानी सुनी लिए हैं, ठीक है। बाकी आपको अपडेट वगैरह मज़ीद दे देंगे। हमारा काम आपको अपडेट रखना। इसके अलावा जो है बहुत से भाइयों के सवाल थे, इंशाल्लाह उसके भी जवाब जो हैं देने की कोशिश करेंगे। मिल्लत फैक्ट्री की आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा जी मैसी 2400 के बारे में काफ़ी जो भाई मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जहां तक हमें मालूम है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वो ट्रैक्टरों की दुनिया में किसी भी किस्म की मालूमात रखना चाहते हैं, नए हों पुराने हों, ठीक है, मार्केट की अपडेट लेना चाहते हैं, मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं, तो हमारे चैनल अपना चैनल पीके को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आते रहें और आप डेली अपडेट वगैरह ले सकें। बाकी दोस्तों मार्केट से आप देख तो रहे हैं मैसी 385 का मेला सजा हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी जो है स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। 2022 भी अवेलेबल है, 2023 भी अवेलेबल है, ठीक है। जनरल पैंथर सर्विस टायरों का स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन गाहक नहीं है। कल भी जो आपके साथ शेयर किया था इंटरव्यू भी, कल भी गाहक जो मतलब ना होने के बराबर है और आज भी तकरीबन वही सेम सिचुएशन है। लेकिन थोड़ा सा पीर वाले दिन जो एक दो गाहक नज़र आया था, दोबारा जो है गाहक को शायद जो है मतलब पता नहीं किस वजह से जो है मतलब मार्केट में नहीं आ रहे। आपको पता पहले भी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, एक ये भी वजह हो सकती है, लेकिन मज़ीद भी कोई ना कोई मतलब वजूहत हैं जिसकी बिना पर जो है गाहक नहीं आ रहा। शायद गाहक वेट कर रहा है कि सस्ते होंगे तब लेंगे। ये तो वो सरासर गलत कर रहा है जो वेट कर रहे हैं। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहता हूं कि वेट करने वाले जो हैं वो बिल्कुल जो है गलत कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकता है जिन्होंने लेना है वो मतलब वेट ना करें। मार्केट में अभी फ़िलहाल जो है मार्केट में बुकिंग से जो है यानी कि बुकिंग से नीचे फरोख्त हो रहे हैं तमाम जो मॉडल हैं, ठीक है। बुकिंग आपके साथ रेट शेयर कर देते हैं जी, 29,92,000 रुपया बुकिंग रेट है, जबकि मार्केट से 385 जो है आज भी जो है 29,80,000 से 90,000 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। 70-75 तक भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। 260 की बात कर लें जी, 21,85,000 रुपया बुकिंग रेट है मार्केट से। तकरीबन 2023 मॉडल जो है 21,80,000 से 85,000 के दरमियान मार्केट में अवेलेबल है कैश। 260 SC की बात कर लें, कल भी आपके साथ शेयर किया था, 22,32,000 रुपया बुकिंग रेट है और मार्केट से तकरीबन जो है 22,30,000 से 35,000 के दरमियान मार्केट में अवेलेबल है फ्रेश स्टॉक। 240 भी अवेलेबल है, हाजिर स्टॉक 18,94,000 रुपया 240 का बुकिंग रेट है और मार्केट से भी तकरीबन जो है इतनी रेट पर यानी कि कंट्रोल रेट पर मार्केट में भी तमाम जो है हाजिर स्टॉक अवेलेबल है। इसके अलावा मैसी 2400 की बात करें, बहुत से भाई जो इसके बारे में जानना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि ये कब मार्केट में आएगा, क्योंकि बहुत से भाई कॉल कर रहे हैं पूछ रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया था ये आज से तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले एक्सपो सेंटर में इनका मतलब इनकाद हुआ था, इन्होंने एक नुमाइश जो है उसका इनकाद किया था मिल्लत फैक्ट्री, तो वहाँ पर इनके नुमाइंदे आए थे। वो इंटरव्यू आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। उनका बकायदा ये कहना था कि 95% जो है वो मुकम्मल हो चुका है प्रोसेस, और बहुत से भाई पूछ रहे थे कि वो आएगा कि नहीं या वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था कि वो आएगा लाजमी, ठीक है। अभी तकरीबन जो है 1 से 1.5 मंथ बाद जो है तकरीबन जो है वो मार्केट में आ जाएगा। पहले उसकी बुकिंग प्राइस जो है वो शो होगी कि कहाँ तक उसकी प्राइस निकलती है, उसके बाद जो आप उसको बुक करवा सकेंगे, इसके बाद जो वो मार्केट में आएगा, ठीक है। आएगा लाजमी, ठीक है। तकरीबन वो मुकम्मल हो चुका है प्रोसेस, बहुत जल्द जो है किसी भी किस्म की मज़ीद अपडेट मिलेगी वो आपको अपडेट कर देंगे। क्योंकि इसके अलावा मैसी 260 मैं आपके साथ जो है वीडियो में शेयर करता रहता हूँ कि मदद सस्ते मिल रहे हैं, वो अभी भी मौका है। जो भाई लेना चाहते हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर मैं शेयर कर देता हूँ 03-11-49-73-785, ये रबता नंबर है। अगर कोई भाई 260 सस्ता लेना चाहता है तो वो हमसे रबता कर सकता है। बाकी मार्केट विज़िट करने के बाद जो है हमसे रबता कर ले या पहले कर ले, उसको इंशाल्लाह जो है फ़ायदा ही मिलेगा। हमारा पहली कावश होती है कि हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा हो, तो इसी में अभी मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा है। बाकी इसके अलावा जो है मिल्लत फैक्ट्री की आपको अपडेट दे दें। बहुत से भाई पूछ रहे थे कि सर्विस टायरों का स्टॉक मिल्लत फैक्ट्री दे रही है या नहीं, फ़िलहाल अभी नहीं दे रही। जनरल और पैंथर टायरों में मिल रहे हैं 385 मिल्लत फैक्ट्री से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल ठीक ठाक हो? हाँ जी शुक्र है खुदा दा।
चाचा जी अज कोई गाहक नहीं लभन डिया की सूरत हाल है? अज बहुत ही अज असी भी उसे तरह जीरो मीटर ते कोई शह नहीं आई साड़ी भी लगी। अच्छा अच्छा बिलकुल जीरो मीटर हो। हाँ जी अज असी भी जीरो मीटर ही हां कोई गाहक शाक नहीं। अच्छा कोई 260 40 85 कोई गाहक नहीं? 60 इन्हां ने मियां वालिया ने बेचिया बस होर नहीं किसी का भी बिकिया। मतलब दिन का एक ही सेल होया? हाँ जी अज मैं भी मतलब कोई गाहक नहीं लभ्या सुबह का ना फिरते पे। नहीं नहीं कोई बंदा परंदा ही नहीं अज आया। ये सन्नाटा छा गया की वजह बनी है क्यों नहीं गाहक आ रहे? बस कोई कुछ ओनिया रौला रुए पे तो कुछ ओनिया कोई मसले बने ने कुछ इतो ट्रैक्टर महंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो अल्लाह का खैर करे घूम ते अगे नहीं किसी खैर करन दी बंदे मान दी भाई सानू दई जो बाद दई जो की 500 रुपया तोड़े पिछे वधा दिता उन्हें माड़े लोग कर की किधर जान ने मर गई दो बुढ़िया थले दुनिया ही बड़ी है सारा दिन दिहाड़ी भननी मिलना फिर कुछ ना ओ आ गया ना। चलो इन्हों चाहिए जो जो हकदार है उन्होंने घर पहुंचा दें। हाँ इन्हों चाहिए गली दे विच एक बंदे ते पुछ लैन किन्ने घर ने ओहदे घरां दे मुताबिक चलो चाचा जी अल्लाह खैर करे बाकी अज मार्केट कोई सूरत नहीं मार्केट कोई अज चक्कर देखो ना आले दुआले कोई गाहक नहीं।